हेलो फ्रेंड्स, आई एम कोमल एंड वेलकम टू माय चैनल कोमल लाइव। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ राजस्थानी मुठिया वाला बेसन का चूरमा। तो ये बिल्कुल हम राजस्थानी स्टाइल में बनाएंगे और वो ही टेस्ट लेके आएंगे, तो और ये खाने में बड़ा ही टेस्टी लगता है। तो चलिए फ्रेंड फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर लिए हैं 2 कप बेसन, 2 कप बूरा, 1 कप नॉर्मल मिल्क, 1/2 कप सूजी, 1/4 कप देसी घी। तो चलिए फिर बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने जो बेसन लिया है वो एक बाउल में ऐड कर लेंगे। इसी के साथ हम इसमें 1/2 कप जो हमने सूजी ली है वो ऐड कर लेंगे। आप मोटी बारीक कैसी भी सूजी ले सकते हैं। 1/4 कप हम इसमें देसी घी ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो घी है वो अच्छे से सूजी और जो हमारा बेसन है वो उसमें मिक्स हो जाए। ये बिल्कुल हम हलवाई स्टाइल में बना रहे हैं। अब हम जो हमने मिल्क लिया है उससे हमें इसका आटा लगाना है। आटा यहाँ पर हमें सॉफ्ट नहीं लगाना है, थोड़ा टाइट आटा लगाना है, इसलिए हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके मिल्क ऐड करेंगे और आटा लगाएंगे। हमें यहाँ पर मिल्क का ही यूज़ करना है, जिससे क्या होगा कि बड़ा अच्छा फ्लेवर आएगा जो हमारा चूरमा है वो भी सॉफ्ट बनेगा, क्योंकि यहाँ पर हम कोई मावे का यूज़ नहीं कर रहे हैं। अगर आप मावे का यूज़ करते हैं चूरमा बनाने में, जब आप पानी से आटा लगा सकते हैं। अगर आप मावे का यूज़ नहीं कर रहे हैं चूरमे में, तो आपको दूध से ही आटा लगाना है ताकि जो हमारा चूरमा है उसमें अच्छा सा फ्लेवर आएगा और वो सॉफ्ट बनेगा। अब हम इसमें थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर रहे हैं। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो यहाँ पर पिंच ऑफ हल्दी भी ऐड कर सकते हैं एक अच्छा सा कलर लाने के लिए। अब आटा लग चुका है, अब हम इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे, उसके बाद हम इसको बनाएंगे इससे चूरमा। तो चलिए 10 मिनट हो चुके हैं और हम हमारा आटा चेक कर लेते हैं। देखिए आटा बिल्कुल रेडी है, अब हम इसकी मुठिया बना लेंगे। तो मुठिया आप इसे जो हमारा आटा है इसको कोई भी शेप दे सकते हैं। आप चाहें तो इस तरह से पेड़े का शेप भी दे सकते हैं। या फिर इस तरह की शेप भी दे सकते हैं। जो ये मैं क्वांटिटी बता रही हूँ ये 4 पर्सन के लिए सफिशियंट है। और फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दूसरी तरफ मैंने घी गरम होने के लिए रख दिया है। यहाँ मैं देसी घी यूज कर रही हूँ। हो सके जितना आप देसी घी का ही यूज करें चूरमे में, उससे बड़ा ही अच्छा टेस्ट आता है। यहाँ पर हमें मीडियम हॉट ऑयल का यूज करना है। ज्यादा जो हमारा घी है हॉट नहीं होना चाहिए, मीडियम हॉट होना चाहिए और हमें इसे मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है। इससे क्या होता है कि अगर हम इसे हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे और या फिर हमारा घी ज़्यादा गर्म होगा तो हमारी मुठिया जो है वो ऊपर से तो पक जाएंगी, अंदर से कच्ची रह जाएंगी, तो जो हमारा चूरमा है वो अच्छा नहीं बनेगा। इसलिए हमें मीडियम हॉट ऑयल में ही और मीडियम फ्लेम पर ही इन्हें पकाना है और बीच बीच में हमें इसे चलाते रहना है, पलटते रहना है, ताकि जो हमारी मुठिया है अच्छे से हर तरफ से सिक जाए, फ्राई हो जाए। कुल 10 से 12 मिनट लगेंगे इसे पकने में। और देखिए कुछ गोल्डन कलर आ जाए, जब डार्क गोल्डन कलर आ जाए उसके बाद हमें इन्हें निकाल लेना है। और देखिए कितना अच्छा कलर आया है। इस तरह का कलर आने पर ही आपको इन्हें निकालना है। और जो ये हम चूरमा बना रहे हैं आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं। आप इसे अगर फ्रिज के बाहर रखते हैं तो आप इसे 4 से 5 दिन आराम से कंज्यूम कर सकते हैं। अगर आप इसे फ्रिज में रखते हैं तो ये 8 से 10 दिन कुछ भी ख़राब नहीं होता है, आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं। देखिए इसमें बिल्कुल भी ऑयल नहीं है, देखिए कितनी ड्राई हैं। और अंदर से भी मैं आपको दिखाऊंगी कि कितनी पक चुकी हैं, ये बिल्कुल जालियाँ बन चुकी हैं देखिए। और अब हम इन्हें ठंडी होने देंगे। ठंडी करने के लिए हम इन्हें थोड़ा सा
तोड़ देंगे पीसेस में ताकि ये जल्दी से ठंडी हो जाए। इस तरह से हम सारी मुठिया को तोड़ देंगे, पीसेस कर लेंगे। देखिए अब जो हमारी मुठिया है वो बिल्कुल ठंडी हो चुकी हैं। अब हम इन्हें पीस लेंगे। कभी भी गरम मुठिया को मत पीसिए, नहीं तो हमारा चूरमा जो है खिला खिला नहीं बनेगा और अच्छा नहीं बनेगा। देखिए मैंने यहाँ पर बिल्कुल बारीक पीसा है। अगर कुछ लोगों को दरदरा चूरमा पसंद होता है तो आप थोड़ा दरदरा भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर इसको बिल्कुल बारीक पीसा है। इसी तरह से ये जो सारी मुठिया है इसका भी हम इसी तरह से चूरमा बना लेंगे, उनको इसी तरह से पीस लेंगे। अब हम जो हमने बूरा ली है वो ऐड करेंगे इसमें। आप चाहे तो यहाँ पर पाउडर शुगर भी ऐड कर सकते हैं, बट बूरा का जो फ्लेवर होता है वो ज़्यादा अच्छा आता है। अच्छे से मिक्स करना है हमें। अब हम इसमें घी ऐड करेंगे। आप जितना घी पसंद करते हैं उसमें ऐड कर सकते हैं, बट जो राजस्थान का कल्चर है उसके अकॉर्डिंग और जो जिस तरह का वहाँ पे खाया जाता है उस वहाँ के अकॉर्डिंग इतना घी डाला जाता है कि जो चूरमा होता है उसके लड्डू बनने लग जाते हैं। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट ऐड कर देंगे। आप चाहें तो यहाँ पर फ्राई करके भी ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं, और जो भी ड्राई फ्रूट आपको पसंद हो वो इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने काजू, किशमिश एंड पिस्ता को ऐड किया है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और चलिए हमारा चूरमा जो है बिल्कुल रेडी है। अब उसे हम सर्व करते हैं, थोड़े से ड्राई फ्रूट से डेकोरेट करेंगे। और उसके बाद हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज को ऐड करेंगे, वो है घी। तो चलिए अब घी को ऐड करते हैं। राजस्थान में बिल्कुल अच्छी तरह से घी डालकर चूरमा खाया जाता है। तो जितना भी आपको घी पसंद हो आप उस अकॉर्डिंग इसमें घी ऐड कर सकते हैं और आप इसे इंजॉय कर सकते हैं। तो आप इसे इस गणेश चौथ जरूर बनाइए और इंजॉय कीजिए। और वीडियो कैसा लगा ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ओके फ्रेंड्स, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।